हाय फ्रेंड्स, राधे राधे आप सबको, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय, आई एम रेखा। मैं आज आप सबके साथ अपने एक ब्रेड बॉल की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसमें मैंने ब्रेड आलू से बॉल बनाई है। आई होप आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। फ्रेंड्स, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, आपने 151 जन ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, आप सबको मेरी तरफ से थैंक यू कि आप सबने मुझे इतना प्यार दिया। और जो न्यू जन मेरे वीडियो देख रहे हैं, प्लीज आप सबसे भी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरे लिए एक लाइक जरूर करें, लाइक बहुत कम आ रहे हैं। और मैं ये जो रेसिपी बनाने जा रही हूँ, इसमें जो मैं आलू का मसाला यूज करूंगी, उस आलू के मसालों के आप प्रोटीन टाइप से यूज कर सकते हो। जैसे आप डोसे में भी ऐड कर सकते हो, सैंडविच में भी ऐड कर सकते हो, है ना। डोसे में यूज होगा, सैंडविच में यूज होगा, आलू टिक्की भी बनती है इसकी, और ये ब्रेड बॉल भी बनेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, प्लीज आप सब ने आप सब ने सबको प्यार दिया है, बहुत सारे यूट्यूबर्स को प्यार दिया है, प्लीज मुझे भी प्यार दें, मेरी भी वीडियो को वॉच करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, प्लीज थैंक यू आप सबको। हाय फ्रेंड्स, मैंने आप सबको बोला था मैं ब्रेड बॉल की रेसिपी आप सबके साथ शेयर करूंगी, तो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। मैंने एक कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल लिया है, ये तेल अब गर्म हो चुका है, तो सबसे पहले मैं इसमें जीरा डालूंगी। उसके लिए सबसे पहले हमको आलू का मसाला बनाना पड़ेगा, उसके लिए मैं पहले जीरा डाल दूंगी। हमारा जीरा जब थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, मैं उसमें हींग पाउडर डाल दूंगी, चुटकी भर हींग, इससे उसका फ्लेवर और अच्छा हो जाएगा। उसके बाद मैंने ये कटे हुए प्याज, हरी मिर्ची और अदरक काट के रखे हैं, ये जब गर्म हो जाएगा तो मैं ये भी डाल दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा जीरा गरम होने हो गया है, तेल हमारा गरम। अब मैं इसमें कटे हुए प्याज, हरी मिर्ची और कद्दूकस किया हुआ अदरक डाल रही हूँ। आप चाहो तो इसमें आप लहसुन भी ऐड कर सकते हो, पर मैंने नहीं किया, ये प्लेन ही अच्छा लगता है। हम प्याज को थोड़ा सा ब्राउन होने देंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा प्याज जो है वो ब्राउन कलर का हो गया है। अब मैं इसमें ये आलू उबाल के ठंडा किया करके मैश किया हुआ आलू है, अब मैं इसको इसमें ऐड कर लूंगी। इसको हमें अच्छे से सेकना है और हल्का लाल लाल ब्राउनिश कलर हो जाएगा, हम इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे। अच्छे से प्याज वगैरह सब इसमें मिक्स हो जानी चाहिए। इसको हम इस तरीके से कढ़ाई में फैला लेंगे ताकि ये सिक पाए अच्छे से, आलू का कच्चापन निकल जाए। दोस्तों, आप ये एक मसाले से 4 से 5 वैरायटी में यूज कर सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, इससे हम ब्रेड बॉल बनाएंगे, आप इसको सैंडविच में भी यूज कर सकते हो, इसको समोसे में यूज कर सकते हो, डोसा जब बनाते हैं डोसा के अंदर जो भी आलू का मसाला होता है ना, वो भी सेम यही प्रोसेस से बनता है, या यही मसाले को आप डोसे में भी ऐड कर सकते हो। इस तरीके से हम इसको 5 मिनट तक सेकने देंगे। देखिए दोस्तों, 5 मिनट हो गई है, अब मैं इसको ऐसे हिलाऊंगी तो देखिए नीचे पूरा आलू के मसाले का कलर चेंज हो चुका है, और ये थोड़ा थोड़ा कढ़ाई में चिपकने भी लगा है। हम इसको थोड़ा उलझ लेंगे इस तरीके से। अब मैं इसमें सूखे मसाले ऐड करूंगी जो नॉर्मली हम लोग हर सब्जी में यूज करते हैं।
एक चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, टेस्ट के अनुसार नमक। आप चाहो तो इसमें गरम मसाला भी ऐड कर सकते हो, पर बट मैंने नहीं किया है। मैं इसको अच्छे से मिला लूंगी। मिर्च आप अपने हिसाब से कीजिए, अगर आप तीखी खाते हो तो तीखे। मैंने दो कटी हुई हरी मिर्च भी डाली है, इसलिए मैंने सूखी मिर्च कम, लाल मिर्च कम डाली है। इसको दो से चार मिनट तक सिकने देंगे। देखिए इसका कितना प्यारा कलर आ गया और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। दोस्तों हमारा आलू का मसाला बनके रेडी हो चुका है, अब हम उसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद मैंने ये देखिए चार पीस ब्रेड की ली है, मैं एक एक ब्रेड के पीस को लूंगी। इस तरीके से मैंने एक कटोरी में पानी लिया है, अब मैं इसको पानी की हेल्प से थोड़ा नरम कर दूंगी ऐसे। चाहे तो आप ये साइड वाले कट कर सकते हो, बट मैंने नहीं किया, इससे थोड़ा क्रंची पन आता है, इसीलिए हल्का पानी लगा के। उसके बाद मैं वही आलू के मसाले को 1 स्पून ऐसे मिक्स इसमें बीच में डालूंगी। उसके बाद वापस से हाथ में पानी लेके हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, और जैसे हम लड्डू बनाते हैं ना उस तरीके से हम इसको ऐसे बांधने की कोशिश करेंगे, तो ये आपका धीरे धीरे करके बंध जाएगा। देखिए दोस्तों, दोनों हाथ की हेल्प ले लीजिएगा, एक हाथ से बनेगा नहीं है। ये डिश मुझे मेरी भाभी लगती है, पूजा भाभी, उनके हस्बैंड के पास हम ट्यूशन पढ़ने जाते थे काली भैया के पास, उन्होंने मुझे आज से 10 से 15 साल पहले सिखाई थी, तो ये हमारे घर में प्राय प्राय बनती रहती है। देखिए इस तरीके से ये बॉल बन के रेडी हो गया, मैं बाकी को भी बना लेती हूँ, फिर एक साथ फ्राई कर लूंगी। हाँ फ्रेंड्स, हमारा तेल गर्म हो चुका है, देखिए धुआं निकल रहा है। अब मैं दो दो पीस करके इसको फ्राई करूंगी। एक तरफ से ब्रेड बहुत जल्दी सिक जाती है, इसलिए हमें बेसी देर सेकने की जरूरत नहीं है, 2 से 4 मिनट में ही हमारे बहुत अच्छे पक जाएंगे। मैं इसको पलट दूंगी, देखिए एकदम ब्राउन कलर का हो गया है और 2 मिनट में हमारा बनके भी रेडी हो गया है। अगर आपको एक्स्ट्रा ऑयल लगता है, कोई भी चीज फ्राई की हुई आप डायरेक्ट प्लेट में डाल के सर्व मत कीजिए, उसको आप पहले टिश्यू पेपर में या न्यूज़पेपर में आप उसे निकाल लीजिए, जैसे मैं आपको बताती हूँ। मैं इसको ऐसे निकाल रही हूँ, निकाल के ये देखिए ये प्लेट पे मैंने बहुत सारे पेपर लिए हैं, नॉर्मल टिश्यू पेपर है, इसमें मैं ये इस तरीके से डाल दूंगी, तो जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है दोस्तों ये हमारा एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाएगा। अब मैं इसी तरीके से बहुत सारे मैंने बनाए हैं, देखिए ये जो भी हमारा एक्स्ट्रा ऑयल है वो टिश्यू पेपर में ही आ जाएगा। अब हम इसको इसी तरीके से मैं बाकी अपना सारे फ्राई कर लेती हूँ, फिर आगे बात करती हूँ आपसे। हाय फ्रेंड्स, देखिए मैंने इसे सर्व किया है, मैंने टमाटो केचप लिया है साथ में, आप इसको धनिया की चटनी के साथ भी खा सकते हो और लहसुन की चटनी के साथ भी खा सकते हो और टमाटो केचप के साथ भी आप खा सकते हो। फ्रेंड्स ये एकदम बहुत सिंपल रेसिपी है, बारिश के टाइम पे या सर्दियों में खाने का मजा ही कुछ और होता है। अभी बारिश का मौसम है इसलिए मैंने सोचा कि आप सबके साथ मैं अपनी ये रेसिपी शेयर करूं। आप भी अपने घर में बना के देखिएगा, अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे एक लाइक कीजिएगा, आप सबका एक लाइक भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर न्यू जन मुझे फॉलो कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलो मिलती हूँ मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, राधे राधे आप सबको।